देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। फरुखाबाद हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से यूकेलिप्टस के बाग में लगी भीषण आग। आग लगने से मधुमक्खियों के 100 डिब्बों समेत 25 खाली डिब्बे जले। भीषण आग से लगभग 4 लाख रुपए के अनुमान का नुकसान। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का किया प्रयास लेकिन नहीं मिली सफलता। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल से आग पर पाया काबू। आम के 3 पेड़ भी आए आग की चपेट में, फसल पड़ी काली। आग से कई यूकेलिप्टस पेड़ भी जले। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नरेगा मौका। हमारा नाम अखिलेश गंगा। कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम। अच्छा, यहाँ आग कैसे लगी है गांव में? तो बिजली लाइन है उनकी, तार टूट गया। तो पहले आग कहाँ लगी? पहले आग पंचायत में पास थोड़ी लगी, वो तो मैंने बुझा ली। तो उसके बाद वो अब दूसरा तार गिर पड़ा, उधर आगे बढ़ गई, फिर वो इतनी चौड़ी बढ़ गई। फिर कुछ देर लोग और आए, फिर पहले लाइन कटवाई, फिर उनको फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। तो कर आधा पौन घंटे वहाँ पाई, तब आग बुझ पाई वो। तो यहाँ पर शायद मक्खी डिब्बे रखे हुए, तो ये सब जल गए? सब जल, डिब्बे हुए रखे हुए, सब जल गए। लगभग कितने डिब्बे रखे थे यहाँ पर? लोग होंगे करीब 3-4 लगभग। नहीं, 4-5 नहीं तो सरुआ गए और आम के भी जल झुलस गए। हाँ, झुलस गए आम के। क्या पुलिस प्रशासन आया था यहाँ पर? पुलिस 112 नंबर। हाँ, 112 नंबर आई। 112 नंबर आया निकल गए तब।